नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube स्टडी चैनल क्विक स्टडी किंग पर दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक की महत्वपूर्ण करंट अफेयर को इसमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं बजट कई रिपोर्ट जैसे कि बीसवीं पशुधन गणना रिपोर्ट वन रिपोर्ट 2019 और इसके अलावा पुरस्कार कई ऐप जो इस साल लॉन्च हुए हैं और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी इसलिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए इस वीडियो की पी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वहां पर जाकर आप इसको मात्र तीस रुपए में परचेज कर सकते हैं इसके अलावा इसका लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया है तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं पहला प्रश्न है हाल ही में 16 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है तो किस जिले में किया है ऑप्शन ए पाली तो इसमें ध्यान रखना है कि पाली में जैन आचार्य विजय बल्लभ सूरेश्वर महाराज इनकी प्रतिमाएं और इसको स्टैच्यू इस ऑफ पीस का नाम दिया गया है ध्यान रखना है पाली के जैतपुरा में स्थापित हुई है और ये एक सौ इक्यावन इंच की अष्ट धातु से बनी मूर्ति है और जमीन से इसकी ऊंचाई है सत्ताईस फीट ऊंचाई भी ध्यान रखनी है तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि विजय वल्लभ सूरेश्वर महाराज पाली के हैं जो उनकी जो प्रतिमा है उसको स्टैचू ऑफ पीस का नाम दिया गया है और, और ये 27 फीट ऊंची है ये दो बातें आपको ध्यान रखनी विशेषकर आगे चलते हैं हाल ही में प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में पुलिस महानिदेशक पहले भी आ चुके हैं तो कौन बने हैं ऑप्शन ए मोहनलाल लाठर जितनी भी संस्थाएं हैं उनके अध्यक्ष और पुलिस महानिदेशक जेल महानिदेशक इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं तो आपको इस तरह की जो नियुक्तियां हैं उन्हें अच्छे से याद करके जाना है तो ध्यान रखना है इससे पहले भूपेंद्र सिंह यादव जो कि आर के चेयरमैन बन गए हम वो थे डीजीपी और अब उनकी स्थान लिया है मोहनलाल लाठर ने अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए डी डी वी गुप्ता दोस्तों ध्यान रखना है कि 2019 तक ये पांच साल के लिए नियुक्त होते थे लेकिन अब इनको तीन साल के लिए नियुक्ति मिलती है तो पांच साल से घटाकर तीन साल कर दिया गया है। ये नया चेंज है तो एग्जाम में इस तरह गलती मत करना अपडेट कर लेना इसको और ध्यान रखना कि जो सेंटर सेंटर पे जो मुख्य सूचना आयुक्त है हैं वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा यशवर्धन ध्यान रखना यशवर्धन कुमार सिन्हा है वो सेंटर सेंटर में मुख्य सूचना आयुक्त है तो ये भी ध्यान रखना है हमें और ये पांच साल से अब तीन साल कर दिया है आगे चलते हैं 16 नवंबर 2020 को शुरू की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाएगी तो कितनी सहायता राशि दी जाएगी ऑप्शन सी छह हजार रुपये ध्यान तो रखना है महिला एवं बाल विकास विभाग इसकी योजना ये और इस योजना को टीएसपी क्षेत्र यानी कि उदयपुर प्रतापगढ़ बांसपड़ा और डूंगरपुर जिलों से इसकी इसको इसको शुरू किया गया है और इस योजना के तहत दूसरी संतान ध्यान रखना है इसमें दूसरी संतान के जन्म पर मां को छह हजार रुपये की राशि पांच किस्तों में दी जाएगी तो ध्यान रखना है पहली संतान के लिए पहले भी योजनाएं बन चुकी है लेकिन दूसरी संतान के लिए ये अपने तरह की पहली योजना है तो ये ध्यान रखना है अगला प्रश्न है हाल ही में 5 सितंबर 2020 को जारी राज्यों की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा तो कौन से स्थान पर रहा ऑप्शन बी आठवें स्थान पर तो हमें ध्यान रखना है कि दो हजार की जो रैंक निकली थी इससे पहले उसमें राजस्थान का नवा स्थान था इस बार एक पायदान का सुधार किया है और शीर्ष दस राज्यों में राजस्थान का स्थान हो गया है आठवां तो हमें ध्यान रखना है कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से यह रिपोर्ट जारी हुई है और इसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है अगला क्वेश्चन है हाल ही नवंबर 2020 में राजस्थान का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है ऑप्शन बी निरंजन आर्य अगला प्रश्न है हाल ही में 27 नवंबर को भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन प्रदेश के किस जिले में किया गया है तो किस जिले में किया गया है ऑप्शन बी जयपुर हाल ही में राजीव गांधी जयंती यानी कि 20 अगस्त पर अन्नपूर्णा रसोई योजना के स्थान पर किस योजना की शुरुआत हुई है तो किस योजना की शुरुआत हुई है ऑप्शन ए इंदिरा रसोई योजना बसुंधा राज्य की अन्नपूर्णा रसोई योजना को बंद कर उसके स्थान पर अशोक गहलोत सरकार ने आठ रुपए में भरपेट भोजन देने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है और इसे राजीव गांधी जयंती यानी कि 20 अगस्त को लॉन्च किया गया है हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल प्रोजेक्ट के कौन से संस्करण की शुरुआत की गई है तो कौन से संस्करण की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है एक ध्यान रखना है इसका एम है लॉकडाउन की अवधि में राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए ऑनलाइन पठन पाठन पठन पाठन से जोड़े जाने के लिए इसकी शुरुआत हुई है और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है इसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट ये इसकी फुल फॉर्म है और द्वितीय संस्करण की हाल में इसकी शुरुआत हुई है पहला संस्करण इसका लॉन्च चुका है और द्वितीय संस्करण हाल में लॉन्च हुआ है इसकी फुल फॉर्म और ये विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए है ये हमें याद रखना है आगे चलते हैं हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को अर्जुन अवार्ड 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है तो किस व्यक्ति को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है ऑप्शन ए संदीप चौधरी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये ध्यान रखना है राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित रख, संबंध रखते हैं जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं और ये पैरा एथलीट है और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है इससे पहले इंडोनेशिया के जकार्ता में भी इन्होंने जो 2018 में हुआ था उसमें एशिया पैरा खेलों में भाला फेंक प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाया था स्वर्ण पदक के साथ हाल ही में चौदह अक्टूबर दो को राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं तो नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए डॉक्टर भूपेंद्र सिंह को तो ध्यान रखना है इससे पहले ये राजस्थान पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं और वर्तमान में ने का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चयनित शिक्षिका गीता कुमारी का संबंध प्रदेश के किस जिले से है तो किस जिले से है ऑप्शन बी बाड़मेर तो ध्यान रखना है कि टोटल सैतालीस शिक्षकों का चयन हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किए जाने के लिए इसमें राजस्थान के एकमात्र राजस्थान से एकमात्र बाड़वे निवासी गीता कुमारी का चयन हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये हाल ही में प्रदेश के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है दोस्तों पद्म जो पुरस्कार होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए पद्मश्री हो पद्म पद्मूषण पद्म विभूषण ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके किसी भी एग्जाम में पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं तो आने जितने भी एग्जाम है उन सबके लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है तो कितने व्यक्ति हैं ऑप्शन बी पांच आइए कौन कौन है देख लेते हैं ऊषा चौमार स्वच्छता के क्षेत्र में सुंदाराम वर्मा कृषि के क्षेत्र में मुन्ना मास्टर इन्हें गायकी के क्षेत्र में और हिम्मताराम भाबू इन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में दोस्तों पर्यावरण के जो पुरस्कार होते हैं बहुत हो ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में तो ध्यान रखना है हिम्मताराम भामू का नाम इसे पूछा जाने के चांस ज्यादा है इसके अलावा उस्ताद अनवर खान इन्हें लोक गायकी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार दो से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है हाल ही में प्रदेश के किस जिले में रेजिडेंट पक्षी पफ थ्रोटेड बैबलर को खोजा गया है तो कहां खोजा गया है ऑप्शन बी उदयपुर तो ध्यान रखना है कि उदयपुर जिले में जो फूलवारी की नाल वन्यजीवी अभयारण्य है वहां पर इस पक्षी यानी कि चिड़िया एक जिसका नाम है पफ थ्रोटेड वेबलर इसको खोजा गया है इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन आने वाले एग्जाम के लिए अब देखते हैं हम वन रिपोर्ट दो राजस्थान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आने वाले एग्जाम के लिए क्योंकि हर दो साल में निकलती है इसलिए आप जितनी भी एक साल में एग्जाम होंगी उन सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना है तीस दिसंबर दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो साल में जारी होती है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा और इसे प्रकाशित करने का कार्य कौन करता है? ये करता है है भारतीय वन सर्वेक्षण जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में तो यह भी ध्यान रखना है और अभिलेखित वन क्षेत्र के अनुसार राजस्थान का देश में है पंद्रवा स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बनता है यहां से अब देख लेते हैं राजस्थान की स्थिति क्या है इस रिपोर्ट में कुल बनावरण है सोलह हजार छह सौ तीस वर्ग किलोमीटर जिसमें कि सत्तावन पॉइंट पांच एक वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछले सा, पिछले दो, दो सालों में इसके अलावा कुल वृक्षारोपण है आठ हजार एक सौ बारह वर्ग किलोमीटर जिसमें कि माइनस एक सौ चौवन वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है तो ध्यान रखना ये और कुल बनावरण प्लस वृक्षारोपण का एरिया हो गया चौबीस हजार सात सौ बयालीस वर्ग किलोमीटर अभिलेखित वन है बत्तीस वर्ग किलोमीटर यानी कि राजस्थान के क्षेत्रफल का नौ प्रतिशत तो ये दोनों ध्यान रखने हैं इसका एरिया और इसका प्रतिशत ये दोनों से क्वेश्चन बनता है इसके अलावा और चीजें देख लेते हैं अभिलेखित वन होते हैं वो है आरक्षित रक्षित और अवर्गीकृत वन का तीनों का जोड़ होता है तो यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं रक्षित वन है यानी प्रोटेक्टेड एरिया है अठारह वर्ग किलोमीटर यानी कि पचपन प्रतिशत लगभग आरक्षित वन या रिजर्व एरिया है बारह हजार चार सौ पचहत्तर वर्ग किलोमीटर यानी कि अड़तीस प्रतिशत और अवर्गीकृत वन है अनक्लासिफाइड एरिया वो है दो तो हजार पैंतालीस वर्ग किलोमीटर यानी कि छह प्रतिशत लगभग कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के एरिया का प्रतिशत ज्यादा है या राजस्थान में कौन से एरिया ज्यादा है तो ध्यान रखना है प्रोटेक्टेड एरिया सबसे ज्यादा है रक्षित एरिया इंग्लिश ध्यान रखने क्योंकि हिंदी में कई बार ये ओटीसी हिंदी भी कर देते हैं तो ध्यान रखना है प्रोटेक्टेड एरिया पचपन प्रतिशत इसके अलावा देखते हैं राज्य में सर्वाधिक वन वाले वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं उदयपुर में सबसे ज्यादा वन है दूसरे नंबर पर अलवर और तीसरे पे प्रतापगढ़ ये क्रम ध्यान रखना है कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है राज्य में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले जिले सबसे कम वन क्षेत्र है चुरू में उसके बाद हनुमानगढ़ और जोधपुर अब देखते हैं बनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं सर्वाधिक वृद्धि हुई है इस बार बाड़मेर में उसके बाद जैसलमेर और तीसरे नंबर पर है डूंगरपुर बनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक कमी वाले जिले तो यह है उदयपुर ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले भी उदयपुर है और सर्वाधिक कमी जो हुई है वन क्षेत्र में वो भी उदयपुर में तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है दूसरे नंबर पर प्रतापगढ़ है और तीसरे नंबर पर झालावाड़ तो ये सारे फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कहीं भी इनसे क्वेश्चन बन सकता है ये पूरी स्लाइड आप एकदम रट लीजिए इसको दिमाग में छाप लीजिए एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आइए इन पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं वन रिपोर्ट नु, नु, के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है तो किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र है उदयपुर जिले में ध्यान रखना है उदयपुर में सबसे ज्यादा है और चुरू में सबसे कम है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल बनावरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है तो कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिली है ऑप्शन सी सत्तावन पॉइंट पांच एक वर्ग किलोमीटर की ध्यान रखना है कि बनावरण में तो वृद्धि देखने को मिली है लेकिन जो कुल वृक्षारोपण है उसमें एक वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिली है वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र कितना वर्ग किलोमीटर है तो कितना वर्ग किलोमीटर है ऑप्शन बी बत्तीस वर्ग किलोमीटर ध्यान रखना है ये कोई ये पूछा जा सकता है आंकड़े इस तरह के आंकड़े पूछ लिया जाते हैं कभी कभी वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रदेश में कौन से वन सबसे अधिक है तो कौन से वन सबसे अधिक है अभी हमने देखा ऑप्शन ए रक्षित वन रक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया वो सबसे ज़्यादा है पचपन प्रतिशत आरक्षित वन यानी रिजर्व एरिया है वो है थर्टी प्रतिशत और अवर्गीकर वह है छ पॉइंट दो पांच प्रतिशत और कुल जो अभिलेखित बने है, ये है बत्तीस हजार सात सौ सैंतीस वर्ग किलोमीटर जो कि राजस्थान के एरिया का लगभग नौ पॉइंट पांच सात प्रतिशत है आगे चलते हैं राजस्थान के किस संस्थान द्वारा मरुसेना नामक कीटनाशक तैयार किया गया है तो किस संस्थान द्वारा किया गया है ऑप्शन बी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान यानी कि काजरी तो ध्यान रखना है जोधपुर में है ये और फंगस और बैक्टीरिया से मिलाकर ये मरुसेना नामक कीटनाशक तैयार किया गया है और केंद्र सरकार ने इसको पेटेंट भी दिया है तो ध्यान रखना है ये कीटनाशक रबी और खरीफ दोनों ही फसलों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है अगला क्वेश्चन है राजस्थान में भारत पाक की सीमाओं के पास किस क्षमता का अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क स्थापित किया जाएगा तो किस क्षमता का किया जाएगा ऑप्शन सी 8000 मेगावाट। तो ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये राजस्थान में पाकिस्तान सीमा के जो क्षेत्र लगे हुए हैं पाकिस्तान सीमा से वहां पर अल्ट्रा मेगा रिन्यूअल एनर्जी पावर पार्क स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि एनटीपीसी और भारतीय सौर ऊर्जा निगम इनके मध्य एक समझौता हुआ है इस तरह के जो समझौते होते हैं एग्जाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं तो आपको जो समझौते हैं जो राजस्थान से रिलेटेड समझौते हैं खासकर उन पर विशेषकर उनको याद करके जाना है तो ये एन और भारतीय सौर ऊर्जा निगम इनके बीच एक समझौता हुआ है और ये आठ मेगावाट क्षमता का पार्क होगा आगे चलते हैं हाल ही में कलराज मिश्र की कौन सी पुस्तक का विमोचन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है तो कौन सी बुक है ऑप्शन ए भारत में उद्यमिता ध्यान रखना है भारत में उद्यमिता बुक है और कलराज मिश्र ने इसे लिखा है तो राजस्थान के राज्यपाल है कलर, कलराज, कलराज मिश्र और इन्होंने नव उद्यमिता के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा संचालित विशेष योजनाओं और सुविधाओं को इसमें इनमें जानकारी दी है इस पुस्तक में हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित रुकमैया मीणा का संबंध किस जिले से है तो बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है क्योंकि संयुक्त संघ द्वारा दिया गया है राजस्थान के किसी व्यक्ति को तो इनका संबंध है ऑप्शन ए बूंदी जिले से तो ध्यान रखना है कि संयुक्त संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है ये विश्व शांति पुरस्कार इससे बूंदी जिले के निवासी रुकमैया मीणा को सम्मानित किया गया है और ये इसका कारण क्या है लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद और गरीबों की मदद करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है हाल ही में प्रदेश में डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श के लिए किस ऐप को विकसित किया गया है तो किस ऐप को विकसित किया गया है ऑप्शन ए आयु एवं सेहत साथी ऐप। तो ध्यान रखना है कि कोविड 19 के दौरान पर्सन टू पर्सन जो कांटेक्ट है उसको कम से कम करने के लिए और मेडिकल हेल्थ सर्विस लाभ उठाने के लिए इस ऐप को मेड कार्ड्स के साथ मिलकर आईयूएम एवं ऐप लॉन्च ये लॉन्च किया है और ध्यान रखना है कि इसमें इस ऐप में, इस में क्या होता है कि राज्य के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में ये सक्षम है तो बेसिकली पर्सन टू पर्सन जो कॉन्टेक्ट है कोविड नाइनटीन के दौरान उसको मिनिमाइज करने के लिए आईओ एम सेहत साथी एप लॉन्च किया गया है और उसमें स्टार्टअप इस है इसकी हेल्प गई है कार्ड स्टार्टअप की आइए कुछ बजट के क्वेश्चन देख लेते हैं हैं बजट के क्वेश्चन हर हर साल साल इंपॉर्टेंट होते एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है तो बजट के कुछ जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इस साल के उन हम इसमें इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की गई है तो सबसे पहला प्रश्न है राजस्थान बजट दो हजार में कितने संकल्पों को शामिल किया गया है तो कितने संकल्पों को शामिल किया गया है ऑप्शन ए सात तो इनको एक बार एक थोड़ी हल्की सी रीडिंग देख लो संकल्प हो सकता है पूछ भी लेगी कौन कौन से संकल्प तो ध्यान रखना है पहला संकल्प है निरोगी राजस्थान दूसरा संकल्प है संपन्न किसान तीसरा है महिला बाल एवं वृद्ध कल्याण चौथा सक्षम मजदूर छात्र युवा एवं जवान पांचवा है शिक्षा का परिधान छठा है पानी बिजली बे सड़कों का मान और सातवा है कौशल व्यय तकनीक प्रधान तो इन सभी चीज जितने भी ये विषय हैं इन सभी पे इस बार के बजट में जोर दिया गया है और उनके विकास के लिए काम किया जाएगा हाल ही में राजस्थान सरकार ने कम पूंजी वाले व्यापारियों के प्रोत्साहन के लिए कौन से कंसेप्ट को मंजूरी दी है तो किस कंसेप्ट को मंजूरी दी है ऑप्शन ए प्लग एंड प्ले तो ध्यान रखना है प्लग एंड प्ले यानी कि आओ और शुरुआत करें सेप्ट के द्वारा प्रतिभाशाली और कम पूंजी वाले यानी छोटे जो उद्यमी हैं उनको राजस्थान सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा तो ये इंपॉर्टेंट है बजट दो हजार बीस इक्कीस के अनुसार राज्य सरकार ने एशियन एवं कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण पदक विजेताओं को कितनी राशि इनाम देने की घोषणा की है तो इनाम में कितनी राशि दी जाएगी ऑप्शन ए एक करोड़ तो ध्यान रखना है कि ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक विजेता को तीन करोड़ रजत पदक विजेता को दो करोड़ और कांस्य पदक के लिए एक करोड़ दिया जाएगा इसी प्रकार एशियन खेल कॉमनवेल्थ खेल इनके लिए स्वर्ण पदक विजेता को एक करोड़ रजत पदक विजेता को साठ लाख और कांस्य पदक विजेता को तीस लाख रुपए दिए जाएंगे ध्यान रखना है ये राजस्थान के जो खिलाड़ी है उनके लिए है पुरस्कार बाहर के जो बाहर दूसरे राज्यों के खिलाड़ी है उनको उनके लिए इसमें नहीं है सब और ये अब जितने भी ये छह जो पुरस्कार हैं इन्हें जो राशि है इन्हें ध्यान रखना है ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है प्रदेश में बच्चों की तस्करी बाल मजदूरी जैसी अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए किस कोष के गठन को मंजूरी दी गई है तो किस कोष के गठन को मंजूरी दी गई है ऑप्शन ए नेहरू बाल संरक्षण कोष प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है किस बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है ऑप्शन सी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो ध्यान रखना है इस बार के बजट का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट तो बजट दो में प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शनिवार को शनिवार को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की गई है तो किस दिन के रूप में ऑप्शन सी नो बैग डे तो नो no बैग डे ध्यान रखना शनिवार को नो बैग डे राज्य में नए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो के बजाय अब किस प्रणाली को विकसित किया जाएगा तो किस प्रणाली को विकसित किया जाएगा ऑप्शन बी वन स्टॉप शॉप वर्ष दो हजार के बजट में अनुमानित है कितना राजकोषीय घाटा प्रतिशत अनुमानित किया गया है तो कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है ऑप्शन बी 2.99 ये यह ध्यान रखना है 2.99 पॉइंट नौ नौ प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है बजट दो हजार के अनुसार राज्य में गांधी खादी प्लाजा की स्थापना कहां पर की जाएगी तो कहां पर की जाएगी ऑप्शन ए जयपुर में बजट दो के अनुसार किस जिले में मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर निर्माण की घोषणा की गई है तो कहां पर की गई है घोषणा ऑप्शन ए एसिया जोधपुर नवीनतम बजट दो हजार के अनुसार पालनहार छात्रावास कहां पर स्थापित किए जाएंगे तो कहां पर स्थापित किए जाएंगे मतलब किस स्तर पर स्थापित किए जाएंगे तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक संभाग स्तर पर निम्न में से बजट दो का सर्वाधिक आवंटन किस मद पर किया गया है तो किस मद पर किया गया है ऑप्शन सी विद्युत इसमें एक प्रश्न और है कि सर्वाधिक जो व्यय होता है सर्वाधिक व्यय वो किस मद पर किया जाता है ये तो आवंटन है सर्वाधिक मनी का आवंटन और सर्वाधिक व्यय किस मद पर किया जाता है तो वह है सामाजिक सेवा या सामाजिक क्षेत्र सामाजिक सेवा में सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च किया जाता है के द्वारा वो सामाजिक सामाजिक क्षेत्र में किया जाता है तो सर्वाधिक सर्वाधिक जो है वो सामाजिक क्षेत्र में और सर्वा, सड़क सुरक्षा पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ तीन जिलों को राशि दी जाएगी तो कितनी राशि दी जाएगी ऑप्शन ए 25 लाख 15 लाख और 10 लाख उनकी रैंक के हिसाब से ये तीन तरह की राशि दी जाएगी अगला प्रश्न है बजट 2021 में राजीव एट द 75 फाइव फंड की घोषणा की गई है इनके माध्यम से सहायता की जाएगी तो ये किसके लिए है तो यह है ऑप्शन बी स्टार्टअप के विकास के लिए तो ध्यान रखना है राजीव एट द रेट सेवेंटी फाइव स्टार्टअप के विकास के लिए यह फंड बनाया गया है बजट दो हजार में निरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है तो कितनी राशि स्वीकृत की गई है ऑप्शन ए 100 करोड़ अगला प्रश्न है बजट दो हजार में जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास केंद्र की स्थापना किस जिले में की जाएगी तो किस जिले में की जाएगी ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी कि प्रतापगढ़ उदयपुर और डूंगरपुर। इन तीनों जिलों में कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अगला है बजट का ही प्रश्न है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा सहयोगी और एएनएम के बेहतर समन्वय के लिए किस ऐप को विकसित किया जाएगा तो किस ऐप को विकसित किया जाएगा ऑप्शन सी ए ऐप तो ध्यान रखना है ए ऐप यानी आंगनवाड़ी वर्कर आशा सयोगनी और ए इन तीनों के नाम पे इसको ए थ्री रखा गया है तीन यानी इन तीनों ये जो तीन व्यक्ति हैं तीन जो कार्यकर्ता होंगे इनके लिए ए थ्री का विकसित किया गया है हाल ही के बजट में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की गई ये कोर्ट संबंधित हैं तो ये कोर्ट किससे संबंधित है ऑप्शन बी मिलावट खोरों के विरुद्ध कार्रवाई से दोस्तों अब देख लेते हैं पशु गणना पशु गणना इस बार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये पांच साल में होती है तो अगले जितने भी पांच साल होते हैं उनके लिए ये जितने भी आंकड़े होते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं तो आइए सबसे पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं बीसवीं गणना ध्यान रखना ये है ये बीसवीं है के अनुसार प्रदेश में ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है तो कितने प्रतिशत की गिरावट आई है चौंतीस पॉइंट छह नौ प्रतिशत तो तो दोस्तों ध्यान रखना है कि ये जो गणना होती है ये राजस्व मंडल अजमेर द्वारा मंडल अजमेर में है और हर पांच साल में हर पांच साल में ये की जाती है तो ध्यान रखना है ऊंट गधे और बकरियों के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है ऊंट गधे और बकरियों के मामले में और मवेशी संख्या में छठवें स्थान पर भैंस संख्या में दूसरे स्थान पर भेड़ों की संख्या में चौथे स्थान पर और घोड़ों की संख्या में ये तीसरे स्थान पर है आइए हम कंपेयर कर लेते हैं कि 2019 और इससे पहले जो 2012 में जो गणना हुई थी उसमें क्या परिवर्तन आया है सबसे पहले ऊँटों को देखते हैं ऊँटों की संख्या में थ्री थी जो अब टू हो गई है ये लाख में है जितने भी आंकड़े हैं तो ये चौंतीस पॉइंट छः नौ प्रतिशत की गिरावट एक भारी गिरावट है और आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऊंटों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है सबसे ज़्यादा जो ऊंट मिलते हैं वो है जैसलमेर में भेड़ों की संख्या हुई है नाइन्टी वन लैख से सेवनटी नाइन लेख बकरियों की संख्या हुई है टू वन सिक्स लेख से टू जीरो एट लैख और सबसे ज़्यादा भेड़ व बकरी मिलती है वो है बाड़मेर में ध्यान रखना है घोड़े व टट्टू इनकी संख्या पॉइंट थ्री एट लैख से पॉइंट थ्री फोर लैख हुई है और ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं बीकानेर में गधे बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि ये पॉइंट एट वन से हो गई यानी कि संख्या मात्र पॉइंट टू थ्री लैख यानी कि 71 वन लगभग 71 वन प्रतिशत की इसमें कमी दर्ज की गई है तो बाड़मेर में ये सब ज़्यादा मिलते हैं तो इस बार ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है गधे और ऊँटों की संख्या पर इसको आप अच्छे से देख के जाइए भैंसों की संख्या में एक लाख से एक लाख हो गई है यानी कि पाँच पॉइंट पाँच तीन प्रतिशत की वृद्धि ये जयपुर में सबसे ज्यादा मिलती है वैसे और गोवंश देखें तो ये 133 की एक सौ लाख से एक सौ उनतालीस लाख यानी कि चार पॉइंट पाँच एक प्रतिशत की वृद्धि और सबसे ज्यादा जो, जो गोवंश मिलता है वो है उदयपुर में तो ये सारे आंकड़े अच्छे से देख लीजिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाली एग्जाम्स के लिए आइए कुछ प्रश्न देखते हैं हाल ही में जारी बीस पशुधन गणना के अनुसार प्रदेश में पशुधन में कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है तो कितने प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है ऑप्शन बी 1.66 प्रतिशत की तो ध्यान रखना है कि किसमें कितनी कमी हुई है ये आंकड़े हमें अच्छे से रखने हैं गधे में सबसे ज्यादा कमी हुई है उसके बाद ऊँटों की संख्या में तो ध्यान रखना है मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने यह रिपोर्ट जारी की है भारत सरकार के जो मंत्रालय होता है वो ये रिपोर्ट जारी करता है हर साल और 2019 में राजस्थान में पशुओं के साथ दूसरे स्थान पर है इस बार 56.8 मिलियन यानी कि 5.68 करोड़ और 2012 में ये संख्या थी 57.7 मिलियन यानी कि 5.77 करोड़ इस बार इसमें कमी हुई है 2019 में कुल पशुओं की संख्या में 1.66 प्रतिशत की कमी देखने को मिली है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारे आंकड़े बीसवी पशुधन गणना के अनुसार राजस्थान में किस पशु में सबसे अधिक प्रतिशत कमी देखने को मिली है तो हमने हाल में ही देखा ऑप्शन सी गधों में सबसे ज्यादा कमी देखने को मिली है आगे चलते हैं बीसवी राज्य पशु गणना में ऊंटों में कितने प्रतिशत गिरावट आई है तो कितने प्रतिशत गिरावट आई है तो यह है लगभग पैंतीस प्रतिशत की गिरावट हाल ही में 6 सितंबर को सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट पुरस्कार मथुरा दास माथुर पुरस्कारों में वर्ष 2019-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर से सम्मानित किया गया है तो किन्हें सम्मानित किया गया है ये उपरोक्त सभी तीनों यानी कि साहिल भास्कर अशोक मेनारिया और हितेश पटेल इन सभी को मथुरादास माथुर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है तो इनकी कैटेगरी देख लेते हैं अशोक मेनारिया को सीनियर कैटेगरी में हितेश पटेल को जूनियर कैटेगरी में और साहिल भास्कर को सब जूनियर कैटेगरी में सम्मानित किया गया है हाल ही में राजस्थान विधानसभा में किन समितियों का गठन किया गया है तो किन समितियों का गठन किया गया है ये सभी समितियां यानी जनलेखा समिति प्राकलन समिति और राजकीय उपक्रम समिति दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि कौन सी समिति का कौन सभापति है तो ध्यान रखना है राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी है वर्तमान में और उन्होंने इन तीनों समितियों का गठन किया है तो इनका कार्यकाल 31 मार्च 2021 तक रहेगा जो इंपॉर्टेंट है वो है कि गुलाब चंद कटारिया उन्हें जन लेखा समिति का सभापति नियुक्त किया गया है राजेंद्र पारिक को प्राकलन समिति के और दयाराम परमार को प्राकलन समिति खे का सभापति नियुक्त किया गया है हेमाराम चौधरी को राजकीय उपक्रम समिति का सभापति नियुक्त किया गया है दोस्तों समितियाँ होती हैं वो कई होती हैं लेकिन जो ये तीन समितियाँ हैं उनके जो अध्यक्ष होते हैं सभापति होते हैं उनके वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में उनके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं आने के तो ये आंकड़े यहाँ पर अच्छे से याद रखना हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा देवनारायण पेनोरमा का लोकार्पण किया गया ये कहाँ पर स्थित है तो ये कहाँ पर स्थित है ऑप्शन सी भीलवाड़ा तो ध्यान रखना है ये राजीव गांधी जयंती यानी बीस अगस्त पर ये कुछ पेनोरमा है जिनका उद्घाटन किया गया था देवनारायण पेनोरमा ये मालासेरी भीलवाड़ा परशुराम पेनोरमा मातृकोंडिया चित्तौड़गढ़ कुंभाराम कुंभा पेनोरमा माल्यावास राजसमंद गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा बुड्ढा जोहर श्री गंगानगर और बीर गोल गोरा बादल पेनोरमा तो ये है चित्तौड़गढ़ तो ये सारे इनको मिलान या मैच करने में आ सकता है क्वेश्चन को तो ये आप ध्यान रखना है प्रदेश में निरोगी राजस्थान अभियान के डिजिटल संचालन एवं हेल्थ सर्वे के लिए राजस्थान सरकार और किसके मध्य समझौता हुआ है तो किसके मध्य समझौता हुआ है ये तो इसका आंसर है ऑप्शन सी खुशी बेबी संस्थान तो ध्यान रखना है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग और खुशी बेबी संस्थान के बीच ही करार हुआ है ये हेल्थ डिजिटल हेल्थ से संबंधित जितनी भी जो गतिविधियां हैं उनके क्रियान्वयन के लिए ये समझौता हुआ है दोस्तों हम एक बात बता देते हैं कि जितने भी हम क्वेश्चन डालते हैं वीडियो में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और उनको उनकी प्रमाणिकता की जांच करने के बाद ही हम आपके सामने लेके आते हैं तो बहुत सी बार ऐसे कमेंट आते हैं कि आप क्वेश्चन ज्यादा डालिए बहुत कम क्वेश्चन होते हैं तो दोस्तों क्वेश्चन की संख्या बढ़ाने का जब कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही नहीं है तो उसकी संख्या उसको यहां शामिल करने का क्या मतलब है जयपुर में किसी पुलिया का उद्घाटन हुआ किसी एम ने कर दिया तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़ी है ऐसी तो कई पुलिया कई ब्रिज कई फ्लाईओवर होते हैं और साल में कितने उद्घाटन होते हैं तो वो इम्पोर्टेंट थोड़ी है ऐसे करके मैं आपको चार पाँच हज़ार क्वेश्चन दे दूँ तो उसका कोई महत्व नहीं है आपकी मेहनत भी लगेगी मेरी मेहनत भी लगेगी और उनका कोई काम भी नहीं आएगा हाँ अगर कोई पुलिया ब्रिज में कोई विशेष तकनीक का प्रयोग हुआ है कुछ यूनिक बात हुई है तो वो जरूर इंपॉर्टेंट हो जाती है लेकिन नॉर्मल सी जो बातें हैं वो कभी ना एग्जाम में पूछी जाती है और ना उनको पढ़ने का कोई मतलब है इसलिए यहाँ पे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है क्वांटिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ताकि आपका भी समय बचे और आपको कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिल सके इसलिए इस तरह के कमेंट आप ना ही करें आगे चलते हैं प्रदेश में भामासा कार के स्थान पर किस कार की शुरुआत की गई है तो किस कार की शुरुआत की गई है ऑप्शन सी जन आधार कार्ड तो ध्यान रखना है कि भामाशा कार्ड जो पूर्व सरकार द्वारा लाया गया था वसुंधरा राजे के समय पे उसके स्थान पर अब जन आधार कार्ड की शुरुआत की गई है और 31 मार्च 2020 तक भामाशा कार्ड इससे रिप्लेस हो जाएगा ध्यान रखना है कि इस आधार इस जन आधार कार्ड की टैगलाइन है एक नंबर एक कार्ड एक पहचान ये टैगलाइन ध्यान रखनी है और इसके अंतर्गत परिवार की जो महिला है उसको परिवार का मुखिया बनाया जाएगा परिवार की महिला जो कि 18 वर्ष या 18 से ज़्यादा है उसे या फिर अगर महिला नहीं है तो इक्कीस साल से जो बड़ा कोई पुरुष है इक्कीस साल या इक्कीस साल से ज्यादा उसको इसमें मुखिया बनाया जाएगा ध्यान रखना है जो ये जन आधार कार्ड है वो दस अंकों का है इससे पहले जो आधार कार्ड हुआ करता था आधार कार्ड जो होता है वो बारह अंकों का है तो ध्यान रखना है ये दे दस अंकों का है और जितने भी अब जो आयुष्मान कार्ड है राशन कार्ड है उसके स्थान पर अब जन आधार कार्ड को ही काम में लिया जाए काम में लिया जाएगा तो ये हमें ध्यान रखना है इसके अलावा जितनी भी जो लाभ आधारित योजना है लाभ आधारित या मनी आधारित जो वित्त आधारित योजनाएं हैं उनको अब जन आधार कार्ड से ही जोड़ा जाएगा तो ये सारे फैक्ट याद रखने हैं प्रदेश में जन आधार कार्ड प्राधिकरण का मुखिया किसे बनाया गया है तो किसे बनाया गया है ऑप्शन बी मुख्य सचिव गुवाहावटी में संपन्न खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा तो राजस्थान कौन से स्थान पर रहा ऑप्शन सी ग्यारहवें स्थान पर तो ध्यान रखना है इस बार गुवाहाटी में संपन्न हुए हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स और इक्यावन पदकों के साथ राजस्थान ग्यारहवें पायदान पर रहा तो ध्यान रखना है 15 पंद्र, पंद्रह गोल्ड चौबीस सिल्वर और बारह ब्रॉन्ज मेडल या कांस्य पदक इस बार राजस्थान ने हासिल किए हैं हाल में डब्लू डब्ल्यू एफ इंडिया द्वारा वन्य जीव संरक्षण के लिए मछली अवार्ड किसे दिया गया है तो किसे दिया गया है तो यह है ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी शंकर सिंह शेखावत और योगेश कुमार शर्मा तो ध्यान रखना है मछली जो रणथमोर की बागिन थी मछली उसके नाम पर यह मछली पुरस्कार पड़ा है और डब्लूल्यू एफ इंडिया और प्रवा खेतान फाउंडेशन की ओर से राजस्थान में वन जीवों के संरक्षण की दिशा में उत्कृष्ट कार्यो के लिए मछली पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की शुरुआत की गई है तो ध्यान रखना डब्ल्यू डब्ल्यू एफ और प्रभा केतान फाउंडेशन ये दोनों ने मिलकर ये पुरस्कार देने की शुरुआत की है और इसमें जो सबसे पहले दिया गया है ये है शंकर सिंह शेखावत और योगेश कुमार शर्मा को ये दोनों नाम ध्यान रखने हैं फरवरी 2020 को यूनेस्को मुख्य अजोले ने विश्व विरासत का प्रमाण पत्र किस हेतु प्रदान किया है तो किस हेतु प्रदान किया गया है ऑप्शन बी जयपुर शहर परकोटा तो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये तो जयपुर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है और अब तक नौ स्थल शामिल किए जा चुके हैं ये इंपॉर्टेंट है कि पूछा जा सकता है कि अब तक इसके पहले कौन कौन से हैं तो ध्यान रखना है इनको एक बार देख लेना है बस चित्तौड़गढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ दुर्ग रणथंबोर किला गागरौन दुर्ग आमेर जैसलमेर दुर्ग कैबला देव नेशनल पार्क जंतर मंतर और जयपुर का ये लास्ट में परकोटा। तो ये नौ स्थान हैं, इनकी संख्या भी याद रखनी है और इनके नाम भी याद रखने हैं एग्जाम में इनको पूछा जा सकता है अगला प्रश्न है हाल ही में 18 मई को शुरू की गई इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना में किस रंग का किट दिया जा रहा है तो किस रंग का किट दिया जा रहा है ऑप्शन सी ए और बी यानी कि ब्लू कलर और पिंक कलर दोनों का ही किट इसमें दिया जा रहा है तो ध्यान रखना है 18 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवजात बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रदर्शनी बेबी किट इसकी शुरुआत की है और इसमें नवजात बालिकाओं को पिंक कलर की किट जबकि नवजात बालकों को नीले कलर के किट दिए जाएंगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अलावा नवजात को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए वर्ष 2019-20 के बजट में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं हाल ही में ही 31 जनवरी को मुक्ति कारवा अभियान का शुभारंभ किया गया यह अभियान संबंधित है तो ये किससे संबंधित है ऑप्शन बी बाल श्रम एवं मानव तस्करी से दोस्तों हाल में ही यह अभियान काफी चर्चा में रहा था अखबारों में काफी चर्चित था यह अभियान और ध्यान रखना है राजस्थान में बाल मजदूरी बाल दुर्व्यवहार और बाल शोषण के खिलाफ जन चेतना का संदेश देने के लिए मुक्ति कारवा अभियान का शुभारंभ जयपुर से किया गया है ध्यान रखना है ये जगह भी और यह अभियान राजस्थान पुलिस और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान से इसको आयोजित किया गया था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में इंडिया कारा युग के जीवास मिले हैं तो किस जिले में मिले हैं ऑप्शन ए जोधपुर तो ध्यान रखना है कि जोधपुर के जो सूरसागर है उसमें ये जीवाश्म मिले हैं हाल ही में पशुपालकों और कृषकों के लिए कामधेनु डेरी योजना की शुरुआत किस जिले से की गई तो किस जिले से की गई ऑप्शन सी जयपुर से तो ध्यान रखना है कि राजस्थान सरकार ने डेयरी फार्म को बढ़ावा देने के लिए काम धहनू डेयरी योजना की शुरुआत जयपुर से की है और इस प्रोजेक्ट में परसेंट सरकार 10 परसेंट डेयरी उद्यमी और 60 परसेंट राशि बैंक की ओर से लोन दी जाएगी गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए कोटा से किस अभियान का शुभारंभ किया गया तो किस अभियान का शुभारंभ किया गया ऑप्शन ए सुपोषित मां अभियान तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से सुपोषित मां अभियान को शुरू किया गया नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट के सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना के लिए किनके मध्य समझौता हुआ है तो ये एक बड़ी योजना है ध्यान रखना इस तरह के जो एम होते हैं और इस तरह के जो समझौते होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आ, आज आजकल एग्जाम में इनको बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है और उसमें ऑप्शन में आपको ये उल, इस तरह के उल्टी सीजे नाम भी दे, दे देंगे जिसको आपको फुल फॉर्म भी अच्छे से पता नहीं होगी तो इनको आपको अच्छे से याद रखना है तो इसका आंसर है ऑप्शन सी आर एस डी सी एल और एन टी पी सी यानी कि राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इन दोनों के मध्य नोक जैसलमेर में इस पार्क को स्थापना करने के लिए समझौता हुआ है प्रदेश के किस स्थान पर पानी का भंडार खोजा गया है तो किस स्थान पर खोजा गया है ऑप्शन ए माडपुरा बरवाला तो हमें याद रखना है कि बाड़मेर के माड़पुरा बरवाला में पानी का एक छोटा सागर खोजा गया है और यह बाड़मेर से जालौर के तक फैला हुआ है हाल ही में एडीबी ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए कितने मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है तो कितने डॉलर को मंजूरी दी है ऑप्शन बी 300 मिलियन डॉलर हाल ही में तेरहवें कोप शिखर सम्मेलन में प्रदेश के किस जीव को सीएमएस सूची में शामिल किया गया है सीएमएस यानी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटी स्पीसीज ये माइग्रेटरी स्पीच है उसके ऊपर एक कन्वेंशन होता है और हर साल ये हर साल कुछ सालों के अंतराल में आयोजित होता है तो इस बार ये कहाँ आयोजित हुआ है ये गांधीनगर में आयोजित हुआ है और इसमें गोडावन पक्षी जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी है उसको इसमें शामिल किया गया है तो ध्यान रखना है गांधीनगर गुजरात में ये आयोजित हुआ है और इसमें एशियाई हाथी गौडावन और बंगाल फ्लोरिकन को इस सूची में शामिल किया गया है इस सूची में बेसिकली जो ज्यादा खतरे में है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उनको इसमें शामिल किया जाता है तो इस बार राजकीय पशु जो राजस्थान का है उसको भी इसमें जगह दी गई है हाल ही में प्रदेश की कौन सी तहसील राजस्थान गुजरात सीमा विवाद के कारण चर्चा में रही तो कौन सी तहसील चर्चा में रही ऑप्शन ए कोटडा तहसील उदयपुर तो ध्यान रखना है कि जो ये क्षेत्र है उदयपुर से लगा हुआ गुजरात का उसकी जो कोटडा तहसील है ये सीमावाद के कारण चर्चा में रही है हाल ही में शुरू प्रोजेक्ट स्माइल का संबंध किस क्षेत्र से है तो किस क्षेत्र से है ऑप्शन बी शिक्षा तो ध्यान रखना है कि लॉकडाउन की अवधि में राज्य के विद्यार्थियों शिक्षकों को ऑनलाइन पठन पाठन से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट स्माइल यानी कि सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट की शुरुआत की, की गई है तो इसमें कक्षा एक से और कक्षा बारह तक इसको लागू किया गया है और हर रोज नौ बजे इसमें सच्ची सामग्री का सेट मिलेगा तो ध्यान रखना है प्रोजेक्ट स्माइल योग में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले अरहम जेतावत राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं तो राजस्थान के किस जिले से संबंधित हैं ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ तो ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर निम्बाहिडा चित्तौड़गढ़ निवासी अरहम चेतावत ने एक मिनट में 25 बार निर्मल लंबा पूर्ण चक्रासन योग कर चैंपियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है और अरहम ने यह कीर्तिमान चेन्नई की तेरह वर्षीय रिया के रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया है तो ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ निवासी हैं अरहम चेतावत हाल ही में राजस्थान सरकार ने किस शहर में प्लाज्मा बैंक की स्थापना की घोषणा की है तो किस शहर में प्लाज्मा बैंक खुलेगी ऑप्शन सी जयपुर तो ध्यान रखना है जयपुर के सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में प्लाज्मा थेरेपी के सराहनीय परिणाम को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा प्लाज्मा बैंक की स्थापना की जा रही है अगला प्रश्न है मार्च 2020 को किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वच्छ हवा कार्यक्रम हेतु विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली के साथ एमओयू किया है तो किसके साथ एमओयू किया है ऑप्शन बी राजस्थान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के एमओयू एमओयू आजकल पूछे जा रहे हैं तो विभिन्न शहरों में प्रदूषण की रोकथाम के लिए यह एमओयू किया गया है और इसके लिए स्वच्छ हवा कार्यक्रम के तहत राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र नई दिल्ली के मध्य ये एमओयू किया गया है हाल ही में 8 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किस शहर में पत्रिका गेट का वर्चुअल लोकार्पण किया तो किस शहर में किया है ऑप्शन ए जयपुर तो ध्यान रखना है पत्रिका गेट का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा और प्रधानमंत्री मोदी ने पत्रिका ग्रुप के चेयरमैन के गुलाब कोठारी रचित संवाद संवाद उपनिषद और अक्षर यात्रा का भी इसमें वर्चुअल रूप से विमोचन किया गया प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत कौन से एक पोर्टल की स्थापना की गई तो कौन से पोर्टल की स्थापना की गई है ऑप्शन ए राज किसान साथी तो ध्यान रखना है कि ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत राज किसान साथी पोर्टल का उद्घाटन किया गया और इस एकीकृत पोर्टल के माध्यम से किसानों को सभी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिल सकेगा तो ध्यान रखना है राज किसान साथी ऐप हाल ही में हुई बाघ गणना दो के अनुसार राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है तो कौन सा स्थान है ऑप्शन है आठवा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो अभी ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस में बाघों की संख्या की रिपोर्ट जारी हुई थी जिसमें हमारे देश में उन्तीस बताई गई है और इस रिपोर्ट में राजस्थान का देश में आठवां स्थान है पहला किसका है पहला है मध्य प्रदेश का पांच सौ के साथ और 50 परसेंट वृद्धि के साथ बाघों की संख्या 45 से बढ़कर अब हो गई है 69 तो यह संख्या भी ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है राजस्थान का आठवां स्थान है और ध्यान रखना है ये एन नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसको इसको जारी करती है हर चार साल में तो दो हजार में आई थी रिपोर्ट और अब ये दो में आएगी अगली रिपोर्ट आगे चलते हैं राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाया जाएगा तो कहां बनाया जाएगा ऑप्शन ए ददिया गांव जयपुर हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश कलश योजना 2020 को मंजूरी दी है तो किस राज्य सरकार ने दी है ऑप्शन ए राजस्थान ने ध्यान रखना है कि गंगा में अस्थियां प्रभावित करने के मकसद से हरिद्वार आने जाने के लिए राजस्थान परिवहन निगम की बसों में निशुल्क यात्रा करने के लिए शुरू की गई मोक्ष कलश योजना ये अभी चालू की गई है हाल ही में टोक्यो ओलंपिक कोटा हासिल करने वाली भावना जाट का संबंध किस खेल से है तो इनका संबंध किस खेल से है ऑप्शन बी पैदल चाल तो ध्यान रखना है कि राजस्थान के एथलीट है भावना जाट उन्होंने 20 किलोमीटर रेस वॉक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर टोक्यो ओलंपिक 2020 का कोटा हासिल कर लिया है और इनका संबंध किस जिले से है राजसमंद से एस यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य है इंडिया इंडेक्स 2019 में राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया है तो किस स्थान पर रखा गया है ऑप्शन बी अठारवे स्थान पर तो ध्यान रखना है सत्तावन अंकों के साथ राजस्थान इसमें अठारवे स्थान पर है और केरल का इसमें है प्रथम स्थान राजस्थान के किस मूर्तिकार को अंतर्राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया जाएगा तो किस मूर्तिकार को प्रदान किया जाएगा ऑप्शन बी हिम्मत अगला प्रश्न है राजस्थान में कुसुम योजना के अंतर्गत 7.5 पॉइंट क्षमता के पहले अनुदानित ऊर्जा पंप की शुरुआत किस जिले से की गई है तो किस जिले से की गई है ऑप्शन सी जयपुर तो ध्यान रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की और इसको राजस्थान के कापड़ियावास गांव जयपुर से इसमें 7.5 पॉइंट फाइव क्षमता का पहला अनुदानित सौ ऊर्जा पंप का उद्घाटन इसको कृषि मंत्री ने इसको उद्घाटन किया और इस योजना की शुरुआत यहां से की गई है तो ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न और इसका ये आप लोगों को जगह याद रखनी है ये गांव याद रखना है हाल ही में आयोजित दादा साहिब फिल्म फेस्टिवल 2020 में राजस्थान की किस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक अवार्ड दिया गया तो किस फिल्म को बेस्ट म्यूजिक अवार्ड दिया गया ऑप्शन ए चिड़ीविल्ला दोस्तों ध्यान रखना ये फिल्म बहुत ही ज्यादा चर्चा चर्चित है और ये पिछले सालों कुछ सालों से लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है इसको कई अवार्ड मिल गए हैं तो ध्यान रखना है कि चिड़ीविल्ला फिल्म को दादा साहेब फिल्म फेस्टिवल दो में बेस्ट म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है और ध्यान रखना है इसके निर्माता निर्देशक कौन है राधेश्याम पीपल्बा और इसके संगीतकार है क्योंकि संगीत के लिए अवार्ड दिया गया है तो ध्यान रखना इसके संगीतकार हैं कृष्णा सोलो प्रदेश के किस जिले से सार्क मछलियों के दांत के जीवाश में खोजे गए हैं तो कहां से खोजे गए हैं ऑप्शन सी बाड़मेर तो हमें ध्यान रखना है कि ये बाड़मेर में ग्रेल माइंस में सार्क मछलियों के दांत के जीवास मिले हैं इससे प्रूव होता है दोस्तों कि यहां पे कभी एक टाइम पे एक विशाल समुद्र या विशाल सी था जिसमें सार्क मछलियां और इस तरह के जीव कभी रहा करते थे उसके बाद यहां पे कुछ घटनाएं हुई और वो खत्म हो गया लेकिन लगातार यहां पे इस तरह के जीवों के अवशेष मिलना इसी बात के संकेत देते हैं आगे चलते हैं हाल ही में संस्कृत शिक्षा में सूचना एवं तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए किस ऐप का लोकार्पण किया गया तो किस ऐप का लोकार्पण किया गया ऑप्शन ए देववाणी ऐप तो ध्यान रखना है राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महापुरा जयपुर की ओर से ये तैयार किया गया है और कक्षा तीन से बारह के लिए इसको शुरू किया गया है भारत निर्वाचन आयोग का पहला मतदाता जागरूकता केंद्र कहां बनेगा तो ये कहां बनेगा केंद्र ऑप्शन सी जयपुर हाल ही में राजस्थान सरकार ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों पार्सी तंत्र को विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है तो किसके साथ समझौता किया ये ऑप्शन सी सिडबी के साथ तो ध्यान रखना है हमें कि जो एमएसमी पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए सिडबी के साथ ही समझौता हुआ है राज्य सरकार का और इसमें क्या किया जाएगा इसमें समझौता में राज्य सरकार को बेहतर जानकारी और एमएसईमी की समस्याओं के लिए बेहतर समाधान प्रदान करने में इसमें मदद मिलेगी तो ध्यान रखना है इस तरह के ए एमयू इस तरह के जो एमओयू होते हैं वो पूछे जाते हैं एग्जाम में छह नवंबर को नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कौन सा जिला स्वास्थ्य एवं पोषक सुधार मामले में प्रथम स्थान पर रहा तो कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा ऑप्शन बी धौलपुर तो ध्यान रखना है कि छह नवंबर पिछले साल ये रिपोर्ट जारी हुई थी पुराना क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है एक जिलों की रैंकिंग हुई थी इसमें धौलपुर जिला देश भर में पहले स्थान पर रहा था इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति को प्रसिद्ध स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया तो किस व्यक्ति को स्कॉच अवार्ड प्रदान किया गया ऑप्शन संदेश नायक। तो ध्यान रखना है कि चुरू के जिला कलेक्टर संदेश नायक को यह अवार्ड दिया गया है और कारण है इसमें महिला उत्थान महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देश की टॉप पुलिस स्टेशनों में 2019 में राजस्थान का कौन सा थाना टॉप दस में जगह बना पाया तो कौन सा थाना जगह पर बना पाया ऑप्शन ए बकानी थाना झालावाड़ तो ध्यान रखना कि 6 दिसंबर को यह रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी और उसमें बकानी थाना जो कि झालावाड़ में है वो सातवें स्थान पर रहा पहले स्थान पर कौन रहा भर में अबेदीन थाना अंडमान हाल ही में राजस्थान के प्रसिद्ध साहित्यकार रघुराज सिंह हाडा का निधन हो गया उनका संबंध किस क्षेत्र से था तो उनका संबंध किस क्षेत्र से था ऑप्शन ए लेखन से तो ध्यान रखना है इन्होंने हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया हाल ही में किस राज्य सरकार ने महा के पहले दिन को नो वीकल डे के रूप में मनाने की घोषणा की है तो किस राज्य ने की है घोषणा ऑप्शन बी राजस्थान हाल ही में प्रदेश में शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग और किसके मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं तो ध्यान रखना शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता हुआ है ऑप्शन ए कोयम तकनीकी संस्थान तो ध्यान रखना है कि तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग तथा कोयम तकनीकी संस्थान के मध्य ये समझौता किया गया हाल ही में राजस्थान का पहला पॉल्यूशन रिमूव टावर किस जिले में लगाया गया है पॉल्यूशन रिमूव टावर तो ध्यान कहां लगाया गया ऑप्शन ए जयपुर 28 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किन दो विभागों को पुरस्कृत किया गया तो किन्हें पुरस्कृत किया गया ऑप्शन सी ए और बी दोनों यानी जल संसाधन विभाग और इंदिरा गांधी नहर बोर्ड इन दोनों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया है हाल में प्रदेश के किस जिले को अल्पसंख्यक जिला घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो किस जिले को रखा गया है ऑप्शन ए हनुमानगढ़ ध्यान रखना कि ये जो अल्पसंख्यक जिला है वो केंद्र सरकार द्वारा ही घोषित किया जाता है राज्य सरकार यहां से प्रस्ताव भेजता है और फाइनली केंद्र सरकार इसको अप्रूवल देता है तो ये इस बार हनुमानगढ़ जिला है वहां पे माना जाता है कि अल्पसंख्यकों की संख्या का? काफी ज्यादा है उस हिसाब से इसको अल्पसंख्यक जिला घोषित किया जाना चाहिए राज्य के किस जिले में पांचवे वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल की शुरुआत की गई तो किस जिले में की गई ऑप्शन ए उदयपुर तो ध्यान रखना कि उदयपुर में इसकी शुरुआत की गई है हाल ही में प्रदेश की किस फिल्म को यूके में होने वाले लिफ्ट ऑफ ग्लोबल सेंसस 2020 में शामिल किया गया है तो कौन सी फिल्म है ये ऑप्शन ए जयपुर मेरा शहर तो ध्यान रखना है कि जयपुर के जो 18 वर्षीय ईशान हर्ट्स की ये शॉर्ट फिल्म है और जयपुर मेरा शहर ये इस यूके में होने वाले लिफ्ट ऑफ ग्लोबल सेंसस 2020 के लिए इसका चयन हुआ है छठवे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया तो किसे सम्मानित किया गया ऑप्शन ए राहुल रबेल। तो ध्यान रखना है कि जवाहर कला केंद्र में छठे राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के समारोह में राहुल रेवल को रबेल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया इसके अलावा ये तीन तरह तीन पुरस्कार भी दिए गए हैं प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर चलाए गए शिक्षा कार्यक्रम का क्या नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको आपको अच्छे से याद रखना है और इसका नाम है ऑप्शन ए शिक्षा दर्शन तो ये आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रदेश की ग्रु गोल बलकर जन भागीदारी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है तो इस योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है ऑप्शन ए महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किस कृषि जींस को कृषक कल्याण शुल्क से मुक्त रखा गया तो किसे मुक्त रखा गया ऑप्शन सी ऊन तो ध्यान रखना है ऊन एकमात्र ऊन को इस शुल्क से मुक्त रखा गया है कृषक कल्याण शुल्क इससे मुक्त रखा गया है उसके अलावा ज्वारा बाज, बाजरा मक्का जीरा सब गोल्ड इन सब में प्रति सैकड़ा के स्थान पर पचास पैसा प्रति सैकड़ा प्रभावित किया जाएगा और तिलहन दलहन गेहूं इन सब में दो रुपये प्रति सैकड़ा के स्थान पर एक रुपये प्रति सैकड़ा प्रभावित किया जाएगा तो ध्यान रखना है ऊन को कृषक कल्याण स्वरूप से मुक्त रखा गया है हाल ही में राजस्थान राज्य परिवहन विभाग द्वारा कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई तो कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई ऑप्शन सी वाहन फोर पॉइंट जीरो राजस्थान की नवीन सौर ऊर्जा नीति में वर्ष 2024-25 तक प्रदेश में सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है तो सौर ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया कितना ऑप्शन सी तीस हजार ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है राजस्थान में नई ऊर्जा नीति के तहत वर्ष दो हजार तक पवन ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है तो ये कितना लक्ष्य रखा गया है ऑप्शन बी 4000 हजार मेगावाट ये दोनों ही लक्ष्य है पवन ऊर्जा के और ऊर्जा के दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है 20 अगस्त 2020 को केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रदेश के किस शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर का वार्ट दिया गया तो किस शहर को फास्टेस्ट मूविंग शहर का वार्ड दिया गया ऑप्शन सी जोधपुर राजस्थान सरकार द्वारा जुलाई 2020 में प्री प्राइमरी से बारहवीं तक की कक्षा के समेकित विकास के लिए किस नए बोर्ड का गठन किया गया है तो किस नए बोर्ड का गठन किया गया है ऑप्शन ए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद हाल ही में प्रदेश में डिजिटल म्यूजियम की कहा शुरुआत कहां की जाएगी डिजिटल म्यूजियम कहां बनाया जाएगा तो इसका आंसर क्या है ऑप्शन ए राजस्थान विधानसभा हाल ही में प्रदेश के किस विभाग के कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री पदक योजना इसकी शुरुआत शुरू की गई तो किसके लिए शुरू की गई है ऑप्शन बी पुलिस विभाग तो ध्यान रखना है जो प्रदेश में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिसकर्मियों के लिए मुख्यमंत्री पदक योजना लागू होगी और इसके साथ ही पुलिसकर्मियों के आवागमन के लिए रोडवेज की बसों में स्थायी पास की योजना भी प्रारंभ की जाएगी नौवे शॉर्ट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए किस फिल्म का चयन हुआ है तो किस फिल्म का चयन हुआ है ऑप्शन सी ने ने भविष्यति प्रदेश का कौन सा विश्वविद्यालय नैग द्वारा उच्चतम ग्रेड प्राप्त करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है तो ऐसा कौन सा विश्वविद्यालय तो इसका है आंसर ऑप्शन बी वनस्थली विद्यापीठ तो ध्यान रखना है बनस्थली विद्यापीठ टोंक में है और इसको नैग द्वारा ए प्लस प्लस ग्रेड हासिल ग्रेड दी गई है और ऐसा होने वाला राजस्थान का यह प्रथम विश्वविद्यालय बन गया है ए प्लस प्लस ग्रेड पहली बार किसी विश्वविद्यालय राजस्थान के ने हासिल की है नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 जो कि नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है तो इसमें कौन सा राज्य पर रहा ऑप्शन बी राजस्थान 8 मार्च 2020 को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया तो महिला शक्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया ऑप्शन बी रूमा देवी और 8 मार्च 2020 को ही राज्य स्तरीय सर्वश्रेष्ठ शासन का पुरस्कार प्रदान किया गया है तो किन्हें प्रदान किया गया है ऑप्शन ए मनोज कंवर आगे चलते हैं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का परिवर्तित नाम क्या है तो क्या है परिवर्तित नाम ऑप्शन बी राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद प्रदेश के पहले ऑक्सीजोन की नींव कहां रखी गई है तो पर्यावरण को जो पोल्यूशन है उसको काउंटर करने के लिए यह ऑक्सीजोन बनाया गया है तो ये प्रदेश में कहाँ बनाया गया सबसे पहले तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कोटा कोटा में ऑक्सीजन की नींव रखी गई है अगला सात मार्च 2020 को घोषित की गई राजस्थान इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसलिंग का अध्यक्ष कौन होगा तो कौन होगा ऑप्शन बी मुख्यमंत्री बजट 2020-21 के अनुसार निन्नमें से किन जिलों में खजूर की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा तो किन जिलों में बढ़ावा दिया जाएगा ऑप्शन सी जालोर सिरोई आम आदमी बीमा योजना का संबंध है तो इस योजना का संबंध किससे है ऑप्शन बी बीपीएल भूमिहीन श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तीसरे चरण में शामिल होने वाली नदी है तो यह नदी कौन सी है ऑप्शन ए चंबल नदी प्रदेश के किस महिला को 27वीं जानकी देवी बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो ये महिलाएं कौन है ऑप्शन बी रूमा देवी तो ध्यान रखना है इससे पहले ने नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया चुका है राष्ट्रपति द्वारा सात सितंबर 2020 को कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने किस वर्चुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है तो किस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है ऑप्शन ए ज्ञान गंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हो सकता है ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ज्ञान गंगा क्या है तो ये ध्यान रखना है प्रदेश का पहला इंदिरा महिला शक्ति केंद्र कहां बनेगा तो ये कहां बनेगा ऑप्शन ए जयपुर सात फरवरी 2020 को प्रदेश में गठित किए गए स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि चेयरमैन कौन होंगे तो ये चेयरमैन कौन होंगे ऑप्शन बी मुख्यमंत्री हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा बाल साहित्य रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी अकादमी के गठन को मंजूरी दी है तो कौन सी अकादमी के गठन को मंजूरी दी है ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी तो ध्यान रखना है कि कला 2019 के जो बजट बजट में इसकी घोषणा हुई थी कला साहित्य संस्कृति और पदार्थ विभाग में पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के गठन को इसमें स्वीकृति दी है ग्रीन पीस इंडिया की प्रदूषण रिपोर्ट में प्रदेश के कितने शहरों को शामिल किया गया है तो कितने शहरों को शामिल किया गया है ऑप्शन बी आठ तो ध्यान रखना है ये आठ शहर हैं जिसमें जोधपुर है वो सबसे ज्यादा प्रदूषित है इसे ध्यान रखना है स्वतंत्रता सेनानी बाबूराम सैनी का हाल में ही निधन हो गया उनका संबंध किस जिले से था तो किस जिले से था ऑप्शन ए सीकर ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हाल में ही बाबूराम सैनी का निधन हो गया वो किस क्षेत्र से संबंधित थे तो ध्यान रखना ये थे स्वतंत्रता सेनानी और इनका संबंध है सीकर जिले से हाल में प्रदेश के किस व्यक्ति को गोल्डन हैन अवार्ड से सम्मानित किया गया तो ये कौन है ऑप्शन ए ताराचंद टेकवानी। तो ध्यान रखना है सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए गोल्डन है गोल्डन हैन अवार्ड से सम्मानित किया गया हाल ही में 18वें इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर ओपन 2020 का खिताब प्रदेश के किस व्यक्ति को दिया गया तो किस व्यक्ति को दिया गया ऑप्शन सी अभिजीत गुप्ता तो ध्यान रखना है पांच बार की कॉमनवेल्थ चेस चैंपियन अभिजीत गुप्ता को ये खिताब दिया गया है और इनका संबंध राजस्थान के भीलवाड़ा जिले से है 16 फरवरी 2020 को अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इंडिया कॉन्फ्रेंस के आयोजन को संबोधित करने वाली राजस्थानी महिला का क्या नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में किस महिला ने संबद्ध किया है तो ये है ऑप्शन सी रूमा देवी इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन है आने वाले एग्जाम के लिए हाल में ही महावीर चक्र विजेता एयर मार्शल चंदन सिंह राठौड़ ध्यान रखना है महावीर सिंह विजेता एयर मार्शल चंदन सिंह राठौड़ का निधन हो गया इनका संबंध किस जिले से है तो किस जिले से है इनका संबंध ऑप्शन बी जोधपुर तो ध्यान रखना है महावीर चक्र प्राप्त एयर मार्शल चंदन सिंह राठौड़ का हाल में निधन हो गया और उन्होंने उन्नीस सौ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और राजस्थान के जोधपुर जिले से है हाल में प्रदेश की कौन सी झील पक्षियों की मृत्यु कारण चर्चा में रही 2019 में यह प्रश्न बहुत ज्यादा ये ये घटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और बहुत दिनों तक चर्चा का विषय बनी हुई थी महीनों तक इसका आंसर है ऑप्शन ए सामर झील तो सामर झील में हजारों पक्षियों की मृत्यु हो गई हजारों प्रवासी पक्षी इसमें शामिल थे और कारण था इस मृत्यु का एवियन वटोलोजी नाम की एक बीमारी और बीमारी जीवों के तत्व को प्रभावित करती है ध्यान रखना है सामर झील एक विश्वविख्यात रामसर साइट है और यहां से नवंबर से फरवरी के महीने में साइबेरिया से हजारों की संख्या में फ्लैमिंगो और अन्य पक्षी आते हैं दोस्तों मैं बता दूं रामसर साइट क्या है उन्नीस सौ इकहत्तर में आर्द्र भूमिओ के संरक्षण के लिए रामसर ईरान के रामसर में एक समझौता हुआ था इसलिए इसको रामसर समझौता कहते हैं भारत इससे उन्नीस सौ बयासी में इसमें उन्नीस सौ बयासी में शामिल हुआ और वर्तमान में हमारे यहाँ थर्टी सेवन रामसर साइट है थोड़े दिन पहले ट्वेंटी सेवन थी अभी हाल में दस रामसर साइट और शामिल हुई है इनमें राजस्थान की एक भी नहीं है लेकिन ध्यान रखना ज्यादातर उत्तर प्रदेश और पंजाब की है और ध्यान रख और इस राम रामसर साइड के तहत ही एक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड होता है और उस मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उन झीलों को डाला जाता है या उन आर्द्र को डाला जाता है जो बहुत ज्यादा खतरे में है उसमें सामर झील को भी शामिल किया गया है पहले से ही तो ध्यान रखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सामर झील पहले से ही खतरे में थी और इस तरह की पक्षियों की मृत्यु के कारण यह और ज्यादा चिंता का विषय बन गई है ध्यान रखना जो सामर झील है वो जयपुर और नागौर दोनों के बीच में है लेकिन जयपुर पर इसका जयपुर का इस पर प्रशासनिक नियंत्रण है और लगभग 9 प्रतिशत नौ प्रतिशत ये देश के नमक उत्पादन में योगदान देती है और अंतरस्थलीय रूप से सबसे ज्यादा नमक उत्पादन करने वाली झील है सांवर झील तो ये सारे फैक्ट हमें अच्छे से याद रखने हैं किसी भी एंगल से इस पे क्वेश्चन आए तो आप इसको करने में सक्षम हो गए आगे चलते हैं उन्तीस नवंबर दो को गठित राज्य आदिभूमि प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया तो किसे बनाया गया ऑप्शन बी वन एवं पर्यावरण मंत्री तो ध्यान रखना ये आर्द भूमि प्राधिकरण बनाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेट भी याद रखनी है उनतीस नवंबर 2019 और इसके उपाध्यक्ष तो होंगे मुख्य सचिव और इसके अध्यक्ष होंगे वो है वन एवं पर्यावरण मंत्री और वर्तमान में कौन है वो है सुखराम बिश्नोई हाल ही में 17 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय कर्नल जेम्स टॉड अलंकर पुरस्कार किसे दिया गया तो किसे दिया गया ऑप्शन ए डॉक्टर ना, नार्वर्ट पीबीडी पी तो ध्यान रखना ये महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों की घोषणा हुई है उदयपुर में इनमें कर्नल जेम्स टॉड अलंकर दिया गया है डॉक्टर नार्वर्ट पीवीडी को हल्दी घाटी अलंकर राज चेंगप्पा हकीम खां सूर अलंकरण मनहर उदास पन्नाधाय अलंकरण पुनरोता दत्ता बहल अराबली पुरस्कार है वो गौरवी सिंह भी को है और महाराणा उदय सिंह अलंकरण ये देवीलाल धाकड़ को ये सारे पुरस्कार धनक ने राजस्थान का पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क और इनक्यूबेशन सेंटर किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा तो किसके सहयोग से स्थापित किया जाएगा ऑप्शन बी बायरेक्स तो ध्यान रखना है बायरेक्स यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल बायरेक के सहयोग से इसे स्थापित किया जाएगा दो जनवरी 2020 आयोजित समारोह में दलहन के लिए वर्ष 2016 17 का कृषि कर्मण पुरस्कार ध्यान रखना है दो हजार का है लेकिन इसे 2 जनवरी 2020 को दिया गया और इसे किसे दिया गया आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान ध्यान तो रखना है राजस्थान को दलहन के उत्पादन के लिए दो हजार अवार्ड और दो का कृषि का प्रशंसा अवार्ड मिला है इसके दो करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। हाल में ही राज्य सरकार ने उद्यमिता विज्ञानिक पत्रकारिता नवाचार और युवा विज्ञानिक के लिए किन पुरस्कारों की घोषणा की है तो किन पुरस्कारों की घोषणा की है ऑप्शन सी स्ट्राइड पुरस्कार 11 जुलाई 2020 को राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पर पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं तो कौन पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं ऑप्शन सी जनार्दन गहलोत सेना मेडल से सम्मानित पर्वतार हुई मगन बिस्सा का हाल में ही निधन हो गया इनका संबंध किस जिले से है तो किस जिले से संबंधित है ये ऑप्शन ए बीकानेर तो ध्यान रखना यह भी पूछा सकता है कि मगन विश्वा कौन थे तो ये थे पर्वतारोहित जिनका हाल में निधन हो गया है अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए 2019 का पुरस्कार किसे दिया जाएगा तो किसे दिया जाएगा ऑप्शन बी रामस्वरूप किसान तो ध्यान रखना है तेईस भाषाओं में साहित्य पुरस्कारों की घोषणा होती है इसमें दो राजस्थानियों को यह पुरस्कार दिया जाएगा और हिंदी भाषा के लिए बीकानेर के डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य को उनके काव्य छीलते हुए अपने को के लिए और राजस्थानी भाषा के लिए हनुमानगढ़ के रामस्वरूप किसान को उनके काव्य बारीक बात के लिए तो दोनों ही इनके उपन्यास याद रखने और इनका नाम याद रखना है अगला प्रश्न हाल ही में व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई तो कौन से पोर्टल की शुरुआत की गई ऑप्शन बी राज उद्योग मित्र तो ध्यान रखना है व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज उद्योग मित्र पोर्टल की शुरुआत की गई है इसका मुख्य उद्देश्य है राजस्थान के युवाओं को व्यापार लगाने के लिए प्रेरित करना सरकार का हाथ उद्यमी के साथ राजस्थान उद्योग मित्र पोर्टल को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसको जून 2019 में शुरू किया गया था हालांकि क्वेश्चन पुराना है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो आजकल उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप और आने के लिए जितनी भी योजनाएं हैं वो चर्चा का विषय बनी हुई है हाल ही में प्रदेश के किस व्यक्ति द्वारा कोविड-19 की जांच के लिए पीपीई की तैयार की गई है तो कौन है ये ऑप्शन बी योगेश यादव डॉक्टर जेकेलोना अस्पताल के डॉक्टर योगेश यादव द्वारा पीपी -पी किट बनाई गई है और यह बहुत ही सस्ती किट है और डॉक्टर योगेश यादव का संबंध सीकर जिले से है हाल ही के प्रदेश के किस जिले में एलोवेरा जेल एंड जूस प्रोडक्शन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है तो किस जिले में की गई है ऑप्शन बी जोधपुर राज्य की पहली फिश एक्वेरियम गैलरी का निर्माण किस बांध के किनारे किया गया है तो किस बांध के किनारे किया गया है ऑप्शन बी बीसलपुर बांध तो ध्यान रखना है प्रदेश के बीसलपुर के किनारे राज्य की पहली फिश एक्रम गैलरी का निर्माण किया गया है नवंबर 2019 को गठित की गई राजस्थान स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी का अध्यक्ष कौन होगा तो कौन होगा ध्यान रखना है ऑप्शन ए वन मंत्री राजस्थान सरकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रदेश में वर्तमान में नगर निगमों की कुल संख्या कितनी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कितनी है ऑप्शन बी दस तो नए कौन बने हैं अभी तीन और नए बने हैं पहले सात थे और अब तीन हो गए तो टोटल दस हो गए जयपुर शहर अब दो भागों में बट गया है जयपुर हेरिटेज और ग्रेटर जयपुर जोधपुर जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण में और कोटा शहर कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में इस प्रकार अब नगर निगमों की संख्या कुल दस हो गई है इसके अलावा और कौन से नगर निगम है एक है अजमेर भरतपुर बीकानेर और चौथा है उदयपुर तो इस प्रकार ये टोटल दस नगर निगम हो गए हैं अब राजस्थान की स्वाति दूधबाल का संबंध किस खेल से है तो किस खेल से है ऑप्शन सी तीरंदाज आठ सितंबर 2020 को प्रदेश के किस आईपीएस को सीबीआई का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है तो किन्हीं बनाया गया ये? ऑप्शन बी पदमचंद जैन राजस्थान की पायल जांगिड़ को अमेरिका में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से चेंज मेकर पुरस्कार मिला है। कहां, जहां की रहने वाली है वो कहां की रहने वाली है ऑप्शन सी हिंसल जिला अलवर तो ध्यान रखना है अलवर के हिंसल की पाए जांगड को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर अवार्ड से नवाजा गया है और यह अवार्ड बाल विवाह और बाल श्रम के खिलाफ आवाज उठाने पर दिया गया है हाल ही में बढ़ीला सोलर पार्क को विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया गया यह कहां स्थित है तो यह कहां स्थित है ऑप्शन सी जोधपुर तो ध्यान रखना है कि जोधपुर में स्थित भडला सोलर पार्क अब विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क हो गया है और इसकी उत्पादन क्षमता है 2245 मेगावाट इससे पहले कर्नाटक का पावागढ़ सोलर पार्क सबसे बड़ा था तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हाल ही में शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा जारी रिपोर्ट में किस किस शूटर को पहले नंबर पर रखा गया है तो किन्ने पहले नंबर पर रखा गया है ऑप्शन ए दिव्यांग सिंह पवार ध्यान रखना है शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने अप्रैल की नई वर्ल्ड रैंकिंग जारी की है इसमें 10 मीटर एयर राइफल की दोनों कैटेगरी में टॉप पर भारतीय शूटर ये मेल कैटेगरी में है दिव्यांग पवार और महिला कैटेगरी में है एना बेनिल बलारिवान। ये पहले नंबर ही है में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने पांच बाइक मुलायम का शुभारंभ किया तो पांच बाइक एंबुलेंस कहां स्टार्ट की गई है ऑप्शन ए राजस्थान तो ध्यान रखना है कि हीरो मोटोकॉप लिमिटेड ने सीएसआर के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को ये पांच बाइक पांच एंबुलेंस प्रदान की है दो अक्टूबर को जारी रेलवे स्वच्छ सर्वेक्षण दो के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है तो सबसे स्वच्छ रेलवे स्टेशन कौन सा है ऑप्शन ए जयपुर ध्यान रखना है पिछले साल दो 2019 में दो अक्टूबर को सात स्टेशनों की सूची जारी की गई थी उत्तर पश्चिम रेलवे जोन सभी सोलह जोनों में प्रथम स्थान पर रहा जिसमें जयपुर है वो सबसे पहले स्थान पर रहा जोधपुर सेकंड दुर्गापुर थर्ड गांधीनगर जयपुर जो रेलवे स्टेशन है वो पांचवा सूरतगढ़ गंगानगर छठा उदयपुर आठवां और अजमेर नवे स्थान पर रखा गया था हाल ही में प्रदेश के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया तो ये कौन है ऑप्शन ए राजीव स्वरूप मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है हाल ही में राजस्थान की कौन सी योजना को देश भर में प्रथम स्थान मिला है तो किस योजना को प्रथम स्थान मिला है ऑप्शन बी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना तो ध्यान रखना है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा जारी रैंकिंग में राजस्थान सरकार की निःशुल्क मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना को सोलह राज्यों में प्रथम स्थान मिला है इसमें सात सौ बारह प्रकार की दवाओं को शामिल किया गया है योजना पुरानी है लेकिन अभी कुछ समय पहले ये चर्चा का विषय बनी हुई थी क्योंकि इसकी जो मासिक रैंकिंग है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उसमें इसको प्रथम स्थान मिला था इसको लॉन्च इसकी लॉन्च डेट है दो अक्टूबर दो और अशोक गहलोत द्वारा उस समय से जारी किया गया था पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तिरंदाज जयंती लाल ननोमा का हाल में ही निधन हो गया इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है तो इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है जयंती लनोमा का ऑप्शन बी डूंगरपुर तो ध्यान रखना है कि उन्हें इनके खेल के लिए गुरु विशिष्ट अवार्ड और महाराणा प्रताप अवार्ड से नवाजा जा चुका था और ये डूंगरपुर जिले के निवासी थे तो ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखना है बारह सितंबर दो को प्रदेश में सरकारी विभागों से जुड़ी योजनाएं जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु तो किस पोर्टल की शुरुआत की गई तो किस पोर्टल की शुरुआत की गई ऑप्शन ए राजस्थान जन सूचना पोर्टल दुबई में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है तो किन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है ऑप्शन बी सुंदर सिंह गुर्जर तो ध्यान रखना है राजस्थान के सुंदर सिंह गुजन ने दुबई में जो आयोजित हुई थी विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 उसमें स्वर्ण पदक जीता और इसके साथ ही भारत के लिए टोक्यो पैरालंपिक जो टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाले हैं और पैरालंपिक भी वहीं होंगे उसके लिए उन्होंने ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया है हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा मनरेगा की मजदूरी दरों में कितने रुपए की वृद्धि की गई तो कितने रुपए की वृद्धि की गई ऑप्शन सी इक्कीस रुपए रखना है मनरेगा के तहत राजस्थान में श्रमों की रोजाना मजदूरी की दर में इक्कीस रुपये की वृद्धि की गई है वर्तमान में वन नाइन नाइन है जो कि एक अप्रैल से दो सौ बीस हो जाएगी हाल में राजस्थान पुलिस में हेड कांस्टेबल डॉक्टर जालेन्द्र सिंह की पुस्तक का विमोचन किया गया तो कौन सी पुस्तक है वो ऑप्शन सी आर्थिक अपराध एवं पुलिस ध्यान रखना है ये हेड कांस्टेबल है राजस्थान पुलिस के जालिम सिंह इनकी पुस्तक है आर्थिक अपराध एवं पुलिस और इसका इन्होंने विमोचन करवाया था किशन केंद्रीय राज्य गृहमंत्री किशन रेड्डी से इसके पहले डॉक्टर जालिम सिंह को 2019 को गृह को गृहमंत्री भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित पंडित गो गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हाल में ही इंदिरा महिला शक्ति योजना के लिए प्रदेश में कितने बजट की व्यवस्था की गई तो कितने बजट की व्यवस्था की गई ऑप्शन बी हजार करोड़ तो ध्यान रखना है यह योजना चलाई गई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा और इसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना इसमें हजार करोड़ रुपए का बजट रखा गया है राजस्थान का नया निर्वाचन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है तो किन्हीं नियुक्त किया गया है ऑप्शन ए त्रिवीण गुप्ता 1995 बैच के आईएएस ए प्रवीण गुप्ता को राज्य निर्वाचन का मुख्य निर्वाचन यानी कि सीईओ नियुक्त किया गया है प्रदेश के किन अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा तो किन्हें सम्मानित किया जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों यानी आईपीएस सुनील दत्त और संजय छोत्री जो कि उप महानिरीक्षक हैं तो दो अधिकारी आईपीएस सुनील दत्त और उप महानिरीक्षक पुलिस संजय छोत्रिये को राष्ट्रीय पुलिस पदक प्रदान किया जाएगा हाल में आयोजित नवे कौंडे ना ट्रेवलर इंडिया ट्रेवल अवार्ड 2019 में फेवरेट लेजर डेस्टिनेशन इन इंडिया का अवार्ड किसे दिया गया तो किसे दिया गया ऑप्शन बी उदयपुर तो ध्यान रखना है कि फेवरेट लेजर डेस्टिनेशन इन इंडिया उदयपुर फेवरेट सिटी इन इंडिया इसमें सेकेंड जो पुरस्कार मिला है वो है जयपुर को सत्रह फरवरी को उदयपुर में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन पुरस्कारों में अरावली पुरस्कार किसे दिया गया तो किसे दिया गया ऑप्शन बी गौरवी सिंह भी, गौर भी, भी। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम में साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता है तो साइकिलिंग में स्वर्ण पदक किसने जीता ऑप्शन ए मुकेश कस्बा ध्यान रखना है खेलो यू इंडिया यूथ गेम्स राजस्थान के बीकानेर के साइकिलिस्ट है मुकेश कसवा को इनको स्वर्ण पदक दिया गया है गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित हुए थे उड्डयन मंत्रालय की स्वच्छता रैंकिंग में राजस्थान के किस एयरपोर्ट को तीसरे स्थान पर रखा गया है तो किस एयरपोर्ट को रखा गया है तीसरे स्थान पर ऑप्शन बी जयपुर तो ध्यान रखना उड्डयन मंत्रालय ने देश भर के स्वच्छ एयरपोर्ट रैंकिंग की रिपोर्ट जारी की है और इसमें जयपुर एयरपोर्ट को तीसरा स्थान मिला है ए द्वारा फरवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्राहक संतुष्टि में कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है तो कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर है ए उदयपुर हाल ही में देश के किस राज्य को बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड से नवाजा गया तो ये कौन, ये कौन सा स्टेट है ए राजस्थान यानी बेस्ट प्रोएक्टिव स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत कितनी सहायता राशि दी जाएगी तो यह राशि कितनी है ऑप्शन बी छ हजार तो ध्यान रखना है टीएसपी क्षेत्र के जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ उदयपुर में यह योजना शुरू करने की घोषणा हुई है और इसके तहत दूसरी संतान के जन्म पर मां को छह हजार रुपए की राशि प्रदान की जाएगी राजस्थान के कौन से एक राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट के तहत चुना गया है तो ये कौन सा हाईवे है ऑप्शन सी एन एच वन फिफ्टी एट तो ध्यान रखना है विश्व बैंक के सहयोग से ब्यावर आसीद मांडल ब्यावर आसीद मांडल राष्ट्रीय राजमार्ग वन फिफ्टी एट को ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वित्तीय स्वीकृति जारी की है तो ध्यान रखना ये कौन सा है ब्यावर आसीद मांडल है एनएच फिफ्टी एट एनएच वन फिफ्टी एट सैन्य जीवन के अंश हुए फैलुओं को उजागर करने वाली पुस्तक इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ की लेखिका कौन है तो ये लेखिका कौन है ऑप्शन बी बरुणा बर्मा ध्यान रखना है इन्फिनिटी वैरायटी ऑफ आर्मी लाइफ की लेखिका तो यह है बरुणा बर्मा हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए हैंडीक्राफ्ट निदेशालय स्थापित किया गया है हैंडीक्राफ्ट निदेशालय तो कहां पर स्थापित किया गया है ऑप्शन ए जोधपुर राजस्थान में इंदिरा पेदसनी पुरस्कार 2019 के तहत कितनी छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा तो ये कितनी छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा ऑप्शन बी 1208 तो ध्यान रखना है कि इसके तहत कक्षा 8 के लिए चालीस हजार कक्षा 10 के लिए पचहत्तर हजार कक्षा बारहवीं की छात्राओं के लिए एक लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे हाल ही में प्रदेश के किस स्थान पर थ्री टेक पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की, तो की गई है थ्री टेक पार्क तो कहां की गई है घोषणा ए जयपुर हाल ही में किस राज्य सरकार ने हर गांव में स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है तो किस राज्य सरकार ने की है स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए जाने की घोषणा ऑप्शन ए राजस्थान तो ध्यान रखना है राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तम बनाने के उद्देश्य एवं निरोगी राजस्थान संकल्प के तहत राजस्थान के प्रत्येक ग्राम में दो स्वास्थ्य मित्रों की भर्ती की जाएगी ध्यान रखना प्रत्येक ग्राम में दो स्वास्थ्य मित्रों प्रख्यात तो निदेशक बासु चटर्जी का हाल में निधन हो गया इनका जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ तो ध्यान रखना है इनका जन्म राजस्थान किस जिले में हुआ ऑप्शन बी अजमेर ध्यान रखना अजमेर सिंह का संबंध है राजस्थान में सेल्स फोर्स की पहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है तो यूनिवर्सिटी कौन सी बनी है ऑप्शन ए जेई सी यूनिवर्सिटी सेल्स फोर्स की पहली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूनिवर्सिटी जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी राज्य में आयुर्वेद विभाग का पहला मेडिटोरियम सेंटर कहां बनाया जाएगा तो ये कहां बनाया जाएगा मेरी टूरिज्म सेंटर ऑप्शन सी कुंभलगढ़ राजसमंद प्रदेश के कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा तो कितने अधिकारियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा ऑप्शन बी 16 यूएनडीपी के ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के तहत स्मॉल कैट संरक्षण के लिए किस पार का चयन किया गया है तो किस पार का चयन किया गया है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी कि रणथम्बोर नेशनल पार्क जो कि सवाईमाधापुर में है दुधवा नेशनल पार्क जो कि यूपी यूपी स्टेट में है और पक्के टाइगर रिजर्व यह है अरुणाचल प्रदेश दोस्तों टाइगर रिजर्व भी आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं नेशनल पार्क भी पूछे जा रहे हैं तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है उन्हें भी हमें ध्यान रखे जाना है आने वाले एग्जाम के लिए अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भवन लाल मेघवाल का निधन हुआ है तो ध्यान रखना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे भवनलाल मेघवाल ये राजस्थान जिले के थे ऑप्शन है राजस्थान ध्यान रखना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आ सकता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भवन लाल मेघवाल अगला प्रश्न है हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा स्माइल प्रोजेक्ट के कौन से संस्करण की शुरुआत की गई है तो कौन से संस्करण की शुरुआत की गई है ऑप्शन बी दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है एक ध्यान रखना है इसका एम है लॉकडाउन की अवधि में राज्य के विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए है ये ऑनलाइन पठन पाठन पठन पाठन से जोड़े जाने के लिए इसकी शुरुआत हुई है और इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखनी है इंपॉर्टेंट है एग्जाम में जरूर पूछी जा सकती है इसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट ये इसकी फुल फॉर्म है और द्वितीय संस्करण की हाल में इसकी शुरुआत हुई है पहला संस्करण इसका लॉन्च चुका है और द्वितीय संस्करण हाल में लॉन्च हुआ है इसकी फुल फॉर्म और ये विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए ये हमें याद रखना है आगे चलते हैं अगला प्रश्न है हाल ही में मास्क की अनिवार्यता पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है तो कौन बना है पहला राज्य ऑप्शन ए राजस्थान हाल ही में प्रदेश का कौन सा व्यक्ति इस्लामिक स्टडीज की प्रवेश परीक्षा में टॉप करने वाला पहला गैर मुस्लिम बना है तो कौन है ये व्यक्ति ऑप्शन बी शुभम यादव तो ध्यान रखना है अलवर जिले के हैं शुभम यादव और यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इन इस्लामिक स्टडी में इन्होंने टॉप किया है और ऐसा करने वाले ये गैर पहले गैर मुस्लिम और गैर कश्मीरी बने अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर रोक लगाई गई है तो किस राज्य ने लगाई है रोक ऑप्शन ए राजस्थान राजस्थान की कुल कितनी तहसीलों को संवत 2077 के लिए सूखा ग्रस्त घोषित किया गया है तो कितनी तहसीलें ऐसी ऑप्शन बी 25. तो ध्यान रखना है राज्य सरकार ने सूखा प्रबंधन संहिता के आधार पर छह जिलों की कुल 25 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है आगे चलते हैं हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को वॉलीबॉल संघ का नया सीईओ बनाया गया है तो किस व्यक्ति को बनाया गया है ऑप्शन ए राम अवतार सिंह जाखड़ हाल ही में किस राज्य में बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया है तो किस राज्य में बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया है ऑप्शन बी राजस्थान अगला प्रश्न है हाल ही में 200 किलोमीटर लंबे बौकथान फिट इंडिया कहां शुरू हुआ तो यह कहां शुरू हुआ ऑप्शन ए राजस्थान अगला प्रश्न है बी ए जे एम सी पाठ्यक्रम शुरू करने वाला प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय बना है तो ये कौन सा विश्वविद्यालय है ऑप्शन ए हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय इसमें बी ए जे एम सी पाठ्यक्रम शुरू किया गया पहली बार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले द्वारा कोविड नाइन्टीन के कारण एट डोर स्टॉप एट डोर स्टॉप डोर स्टेप नामक ऐप लॉन्च किया है तो एट डोर स्टेप नामक ऐप कौन से जिले में लॉन्च किया गया है तो यह है जोधपुर सी जोधपुर इसमें एट डोर स्टेप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कोविड नाइन्टीन के दौरान राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो ये कब मनाया जाता है ऑप्शन है 16 अप्रैल ध्यान रखना है क्योंकि अभी पुलिस का, पुलिस का पुलिस काफी चर्चा में रही थी पुलिस ने काफी एफर्ट किए कोविड नाइनटीन कंट्रोल करने के लिए तो इस कारण हो सकता है कि राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस या राष्ट्रीय पुलिस स्थापना दिवस ये पूछे जाएं इसलिए हमने इस प्रश्न को यहां शामिल किया है तो इसका आंसर है 16 अप्रैल राजस्थान पुलिस का जो प्रतीक चिन्ह है वो है विजय स्तंभ ये भी हमें ध्यान रखना है तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में सब्सक्राइब कीजिए